सोनिया मिश्रा पांडे जी, अश्विनी कुमार, मनोज कुमार, रश्मि यादव जी का वेलकम है, स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मोहित रतन चौहान, कविता सिंह, रजत कंबोज जी का वेलकम है, स्वागत है रजत कंबोज जी। सिकंदर त्रिपाठी जी वेलकम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबू भैया, वेलकम भैया, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। संजीव राठौर जी, श्वेता श्रीवास्तव जी, अतुल सिंह, सुधा जी का वेलकम है, स्वागत है आप सभी का। स्वाति पाल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुधा जी, विजय यादव जी, दीपू मौर्या, जया तिवारी, अभिषेक गुप्ता जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सभी लोग? मानसी कटोरिया जी, पुष्प कुमार जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। अंकिता जी, ऋतु मौर्या जी का वेलकम, स्वागत है आपका। सभी साथियों का वेलकम है विपिन सर की क्लास में। एक बार फिर से मेघना सिंह जी का वेलकम। मेघना जी कैसे हैं? दीपूरा प्रजापति जी, सीमा बडोले जी, अर्जुन मिश्रा जी का वेलकम भी है, स्वागत है आपका। अनामिका कुमारी जी का वेलकम, प्रभाकर जी का वेलकम भी है, स्वागत है आपका। तो आज सुबह की प्लस की क्लास कैसी रही आप लोग? जो बच्चे प्लस वाले हैं वो बताइए। दिनेश मौर्या जी, प्रियंका मिश्रा जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। अरे बिल्कुल शुरू कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, एक आध मिनट रुक जाओ, बच्चे जुड़ जाने दीजिए। सुरभि श्रीवास्तव, पिंकी कुमार, क्या आवाज नहीं आ रही मेरी? प्रिया यादव वेलकम, स्वागत है आपका। आवाज नहीं आ रही क्या? प्रतिभा सिंह जी, पूजा पाल जी वेलकम, आवाज आ रही है ना? मीत सिंह जी का वेलकम, प्रणाम वेलकम। किरण सिंह जी का, भावना भावना जी का वेलकम है, स्वागत है भावना जी। प्रणाम बेटा प्रणाम। सोशल इरर सिंह वेलकम, दिलीप गर्ग जी का वेलकम, स्वागत है आपका। आवाज सभी तक मेरी पहुंच रही है ना? अलका तिवारी जी, रिक्की यादव जी, रणवीर सिंह जी, खुशबू चतुर्वेदी जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका। आशी यादव जी, आकाश जी, राजीव कुमार जी, नीरज यादव जी, पवन कुमार जी, यूजर जी का वेलकम, भूपेन्द्र सिंह जी का वेलकम है। ऑल क्लियर ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सचिन चौधरी जी का वेलकम है, मनोरमा जी, विवेक मिश्रा जी, ऋतिक जी वेलकम, ईशान जी का वेलकम है, प्रवीण सिंह कुमार जी का, स्मिता सिंह जी का, संदीप कुमार यादव जी का, प्रदीप कुमार, राजन जी, सुभाष बघेल, सुनील जी, राहुल जी, नीतू सिंह जी का वेलकम है। सभी साथियों का विपिन सर की तरफ से सभी साथियों का नमस्कार, सभी साथियों का प्रणाम। जगदम्बा प्रसाद, प्रियंका मौर्या जी का वेलकम। ठीक है, चलिए आज कुछ बात करते हैं यूपी स्पेशल पे। मैं विपिन कुमार गुप्ता, अनकेडमी पर आ गया प्लस एजुकेटर ग्रुप में आप सभी का वेलकम करता हूँ। अनकेडमी कोड मेरा विपिन जायसवाल है। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने से पहले क्या है, आप विपिन जायसवाल कोड का जरूर इस्तेमाल करिए। प्रशांत जी, स्वाति वर्मा, मोहम्मद नफीस जी, नफीस जी, पंकज सिंह, सीटी, रोहित कुमार जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। गौरव कश्यप जी, ठीक है, रुद्र प्रताप जी वेलकम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यूपी स्पेशल, फिर से आज का यूपी स्पेशल करते हैं। नीता जी का वेलकम है, तैयार है यूपी स्पेशल के लिए? तैयार है आप लोग यूपी स्पेशल के लिए? सौरभ राठौर जी का, देवेंद्र कुमार जी का, हाँ बिल्कुल, खुशबू चतुर्वेदी के दिए गए स्क्रीनशॉट मान लीजिए, जो बच्चे मेरे साथ ग्रुप में नहीं ऐड है। पवन सिंह जी का, गिरीश गुप्ता जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन हम यहीं से प्रारंभ करते हैं। उत्तर प्रदेश विशेष, गिरीश गुप्ता जी, रोहित नागर जी, भावना अग्रवाल जी, प्रीति चौरसिया जी का वेलकम है, सुभाषीष पाल जी, पारुल शर्मा जी का वेलकम है। पारुल शर्मा जी का 100 हुए बच्चे? अभी नहीं हुए, 100 बच्चे हो गए अभी। रितु कपासिया जी, निशा जी का वेलकम है, स्वागत है आपका निशा जी। ठीक है, उत्तर प्रदेश विशेष, अच्छा 88 हुए हैं, बहुत बड़ा, 92। रागनी आईएस जी का वेलकम है, कोई नहीं। ठीक है, कल हमने बताया था, शेखर अग्रवाल जी प्रणाम बेटा प्रणाम, खूब खुश रहिए, खूब तरक्की करिए। कल हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? विपिन यादव जी का वेलकम है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, कल हमने बात की थी इस पे? देवाश्री जी का वेलकम, कल्याणी जी का, अच्छा 75 जिले हैं। ठीक है,
प्रांजलि चौहान जी का वेलकम है। 75 जिले कल हमने बताया था, 18 मंडल कल हमने बताया था, अनुराग शाही जी, अजीत जी, संदीप गुप्ता जी का वेलकम है, और हमने क्या बताया था, 4 आर्थिक संभाग है। एस चौहान जी, आशु शुक्ला जी वेलकम, 4 आर्थिक संभाग है। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछेंगे कि पहले, नमस्कार नमस्कार बेटा, खूब खुश रहिए, खूब तरक्की करिए, सभी साथियों को अभिन सर का प्रणाम, सभी खूब तरक्की। 72 पहले जिले कितने थे, 72 जिले थे ना, पहले जिले 72 थे, बाद में 3 ऐड किया गया। हम आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि राजपूत जी का वेलकम है, हमें क्वेश्चन कि जो 3 जिले लास्ट में बनाए गए, 3 जिले कौन कौन से, ये 3 जिले कौन कौन से थे, आपको इनमें से देना है, बताना है आपको कि 3 जिले बाद में कौन कौन से बनाए गए थे, ठीक है। क्या है, प्रख्यात कीर्ति जी का वेलकम है। पहला जिला एक नाम आया है, संभल, चलिए बहुत बढ़िया, संभल जिला आया है। संभल के साथ साथ एक जिला क्या आया है, नहीं नहीं गलत आ रहे हैं, बिल्कुल रणवीर सिंह जी, बिल्कुल रणवीर जी, शामली, छत्तीसगढ़ कहां से आ जाएगा, ठीक है। स्पार्कुल ठाकुर जी का वेलकम है, ठीक है, नई कासगंज है, संभल, शामली, ठीक है। अमरीश जी वेलकम, स्वागत है आपका, और इसके साथ साथ क्या है, ठीक है, संभल, शामली, रश्मि राजी, प्रियंका गुप्ता जी, प्रांसी गुप्ता जी वेलकम दिया, स्वागत है आपका। और इसी के साथ साथ एक और जिला कौन सा है, हापुड़, हापुड़, एमके सिंह जी का वेलकम है, बिल्कुल नहीं गाजियाबाद नहीं, अमेठी कहाँ से आ जाएगा। राम कुमार जी का वेलकम है, इनका क्या जिले का नाम है, इनका जिला का नाम क्या है, ठीक है, ठीक है, संभल, शामली, हापुड़, संभल, शामली, हापुड़, इन तीनों जिले के, यूपी के हैं, इन तीनों जिले के नाम किस रूप में किया गया था, कोई बताएगा। शुक्ला जी का वेलकम है, शुक्ला जी का वेलकम है। संभल को किस नाम से जाना जाता है, कोई कमेंट करेगा, पंचशील नगर। रोमा श्रीवास्तव जी, शुक्ला जी, प्रदीप कुमार जी, आई एस बिंदु बाला जी, उत्कल गौरव जी, कपिल जी का पंचशील नगर संभल को कहा जाता है, नहीं कहा जाता है। शुभ मिश्रा जी का वेलकम है, बताइए, पंचशील नगर, पंचशील नगर संभल को क्या नाम दिया गया था, पंचशील नगर दिया गया। शामली को क्या नाम दिया गया था, शामली को नाम दिया गया था, प्रशांत चौधरी जी, शामली को नाम दिया गया था, भीमनगर का नाम दिया गया था। और हापुड़ को कौन सा नाम दिया गया था, हापुड़ को नाम दिया गया था प्रबुद्ध नगर, प्रबुद्ध नगर। गोस्वामी रागनीगिरी जी, अजीत जी वेलकम दिया, स्वागत आपका, ठीक है। सृष्टि चतुर्वेदी जी का वेलकम है। तो ये जिले नाम दिया गया था, ये जिले क्या किया गया था, हाँ मायावती के टाइम पर, क्या किया गया था, मायावती के टाइम पर इन तीनों का नाम दे दिया गया था। टीएस जी का वेलकम है, मायावती का नाम क्या है, इन तीनों जिलों का नाम मायावती के टाइम पे किया गया था, ठीक है, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, अच्छा एक मिनट, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल सही करा। निहारका जी, विजय द्वार जी वेलकम दिया, स्वागत है आपका, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट, ठीक है, हाँ। शामली को कहा गया था पंचशील नगर, भीमनगर, बिल्कुल करेक्ट, भीमनगर किसको कहा गया था, संभल। रश्मि देवी जी का वेलकम है, स्वागत है। प्रशांत सवनकर जी का वेलकम है, स्वागत है। तो पंचशील नगर किसको कहा गया, शामली को, संभल किसको कहा गया था, भीमनगर को कहा गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, जो लास्ट में अंतिम में 3 जिले जोड़े गए हैं वो कौन कौन से हैं, संभल, शामली, हापुड़, संभल, शामली, हापुड़, ये अंतिम में 3 जिले जोड़े गए हैं। इससे आपके आपके यूपी ट्रिपल एससी में क्वेश्चन यहाँ से इजी तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, इजी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे। गिरीश कुमार तिवारी जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका, ठीक है। कुछ जिले और हैं जिनका नाम में चेंजेस किया गया है, परिवर्तन किया गया है, उनका भी नाम कर दिया जाए, उनका नाम भी लिखवा दिया जाए। अंकित सिंह जी का, अंकुश, अंतु सिंह जी का वेलकम है, उनका भी नाम लिखवा देते हैं। मनोज कुमार जी का वेलकम है। कुछ जिलों का नाम इधर से उधर किए गए हैं, एक चार्ट बना लीजिए, एक चार्ट बना लीजिए और पूर्व नाम लिख लीजिए, उसके बाद क्या है, नया नाम लिख लीजिए, नया नाम लिख दीजिए। टोटल 11 जिले हैं, पंकज वर्मा जी का वेलकम है। टोटल 11 जिले हैं, पूर्व नाम क्या था और नया नाम क्या रखा गया है, नया नाम क्या रखा गया है, अभी जो चेंज किया गया है अभी हाल ही में, ठीक है, हाँ लेटेस्ट वाले हैं। कृष्णा निर्वाजन जी, पंकज वर्मा जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका, ठीक है, ठीक है। श्रीकांत पांडे जी वेलकम, एन तिवारी जी वेलकम दिया, स्वागत है आपका, ठीक है। एक बार देख लीजिए जल्दी से, फिर हम आते हैं। विदु श्रीवास्तव जी का वेलकम है, स्वागत है विदु जी। ऋषभ उमराव जी का वेलकम है। तो जो भी साथी पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो भी साथी मेरे साथ पहली बार क्लास ले रहे हैं, आप मेरी प्रोफाइल विपिन कुमार गुप्ता पे जाकर के क्या है, मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और आपको ग्रुप में जुड़ना है तो आप यहीं से जाकर के मुझे क्या कर सकते हैं, यहीं से जाकर के मुझे मैसेज कर सकते हैं। जीविका वर्मा जी का वेलकम है।
पूर्व नाम एक नाम है पंचशील नगर। पूर्व नाम क्या है? पंचशील नगर। इसका नया नाम क्या बना दिया गया? हापुड़ बना दिया गया। भावना पांडे जी, किरण सिंह जी का, अक्षय जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, सरेन राज सिराज जी का वेलकम है। अगला नाम क्या है? प्रबुद्ध नगर। ये नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा मिलाने वाला। सुमित शर्मा, प्रदीप कुमार राव जी का वेलकम है। अगला क्या है? प्रबुद्ध नगर। और प्रबुद्ध नगर का क्या हो जाएगा? शामली हो जाएगा। नहीं, ज्यादा नहीं छूट गया, ज्यादा नहीं छूट गया। प्रबुद्ध नगर क्या क्या हो जाएगा? शामली हो जाएगा। भीमनगर, अभी जैसे हमने देखा भीमनगर, भीमनगर का क्या होगा? भीमनगर का क्या होगा? संभल होगा। भीमनगर का क्या होगा? संभल। ये नया नाम है। ठीक है, रमाबाई नगर, रमाबाई नगर, ये मिलाने वाला क्वेश्चन आएगा। एक नंबर क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा, दो नंबर का क्वेश्चन। विजय प्रताप जी, विश्वजीत सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। रमाबाई नगर, रमाबाई नगर का नाम क्या रखा गया था? क्या नया नाम है? कानपुर देहात। कानपुर देहात को रमाबाई नगर के नाम से जाना जाता है। छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति, ठीक है, छत्रपति साहू जी महाराज, वो मायती के टाइम पर नाम बदल लिया गया था। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में सारे नाम बदले गए हैं, वो हम बता रहे हैं, जो अभी करेंटली में ये सारे नाम है। छत्रपति साहू जी महाराज, ठीक है, ठीक है, ठीक है, छत्रपति साहू जी महाराज, आपको इनमें बताना कौन है। आनंद निराला जी का वेलकम है। छत्रपति साहू जी महाराज का क्या हो जाएगा? अमेठी। सीवी यादव जी का, सीवी त्रिपाठी, अनिता सिंह जी का, शुभम त्रिपाठी जी का, सीवी यादव जी का वेलकम है, स्वागत है आपका सभी साथियों का। ठीक है, तो आपको यहां से बताना होगा आपको इनमें से है। ठीक है, ठीक है, चलिए बढ़ा जाएंगे। छत्रपद साहू जी महाराज क्या है? अमेठी। छत्रपद साहू जी महाराज क्या हो जाएगा? अमेठी हो जाएगा। काशी राम नगर, काशी राम नगर बैक कर दे रहे हैं। ठीक है, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, मैसेज करने को आएगा। आप मुझे यहाँ से मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको वहां से उठा लूंगा। जो भी साथी एक मिनट वेट करो, पवन जी वेट करो, मैं आ रहा हूँ। जो भी साथी क्या है, जो भी साथी मुझसे ग्रुप पे नहीं जुड़ पाए हैं वो यहां से जुड़ सकते हैं। आप मुझे मैसेज करके वहां पे मैं आपको जोड़। काशी रामनगर, काशी रामनगर को किस नाम से जाना जाता है? कासगंज के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल आपका। ठीक है, यूजर शुक्ला जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। मैं आपके डाउट पे आ रहा हूँ, काशी रामनगर क्या है। और अगला आ जाएगा महामाया नगर। शिवांश जी वेलकम डियर, स्वागत है। ठीक है, वेट करो। महामाया नगर, महामाया नगर के क्या होगा? महामाया नगर हाथरस हो जाएगा, बिल्कुल हाँ। या फिर खुशबू चतुर्वेदी के, खुशबू चतुर्वेदी के नंबर को क्या कर सकते हैं आप? खुशबू चतुर्वेदी के नंबर को क्या कर सकते हैं आप? क्या कर सकते हैं आप? कर सकते हैं। ठीक है, क्या है? प्रबुद्ध नगर हो जाएगा हापुड़। प्रबुद्ध नगर हो जाएगा हापुड़, नहीं एक मिनट, हाँ प्रबुद्ध नगर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ गलतियां हुई हैं। ठीक है, अनुज कुमार हरद्वे जी, सनी साहू जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, कुछ हुआ है। पंचशील नगर किसको कहेंगे? पंचशील नगर किसको कहेंगे? पंचशील नगर कहेंगे हापुड़ को कहेंगे। नहीं एक मिनट, यहाँ पे गलत लिख गया, पंचशील नगर हापुड़ रहेगा, ये गलत लिख गया। ठीक है, एक मिनट, फिर से मैं करेक्ट कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार फिर से पूरा करेक्ट कर रहा हूँ। वेट, सोनल विश्वकर्मा जी का वेलकम है, स्वागत है। तीन जिले जोड़े गए हैं, कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? हापुड़, संभल, शामली। शर्मिला सिंह जी वेलकम, हाँ बिल्कुल, दोबारा से क्लियर कर रहा है। हापुड़, संभल और शामली। हापुड़ को नाम दिया गया है पंचशील नगर, नाम दिया गया था हापुड़ को, नाम दिया गया था पंचशील नगर। ठीक है, शामली को नाम दिया गया था भीमनगर। शामली को नाम दिया गया था क्या है? भीम। शामली को नाम क्या दिया गया है? एक मिनट, शामली नहीं, संभल को नाम दिया गया भीमनगर। संभल को भीमनगर है, ये गलत करवा दिया आप, कंफ्यूजन करवा दिए। ठीक है, संभल को नाम क्या दिया गया है? संभल को नाम दिया गया है, संभल को नाम दिया गया है भीमनगर। ठीक है, और इसको नाम दिया गया है प्रबुद्ध नगर, इसको नाम दिया गया है प्रबुद्ध नगर। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, यहाँ पे पूरा करेक्ट लिखा हुआ। महामाया नगर क्या हो जाएगा? हाथरस, महामाया। ठीक है, हाँ बिल्कुल सिद्धार्थ जी, बिल्कुल पूरी तरीके से गाइड किया जाएगा। शुक्ला जी यूनिक वेलकम डियर, स्वागत आपका। हाँ ये पक्का है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, विवेक कुमार जी वेलकम है। यहाँ से आप पूरे नाम लिख लीजिए, ये सारे करेक्ट है।
विवेक कुमार जी वेलकम है। तो जो भी साथी मुझे साथ ग्रुप में जुड़ जाता है, जो भी साथी मेरे साथ संवाद करना चाहता है, आप विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के क्या कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और यहां से आप मेरे साथ जुड़ भी सकते हैं। ठीक है, प्रोफाइल पे जाकर के फॉलो करने के बाद क्या आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो क्या है, पंचशील नगर हापुड़ है, प्रबुद्ध नगर शामली है, भीमनगर संभल है, रामाबाई नगर कानपुर देहात है, छत्रपति साहू जी महाराज अमेठी है, काशीराम नगर क्या है कासगंज है, और उसके साथ क्या है महामाया नगर क्या है हाथरस है। इसके साथ कुछ और लेते हैं, आरती जी, सरका शाह जी वेलकम दिया, स्वागत आपका। ठीक है ओके सिद्धार्थ जी, सारी प्रकार की आपको सारा प्रकार का डाउट आपका कैसे तैयारी करनी है मेरे गाइडेंस में आइए, प्रॉपर तैयारी करने के लिए हम आपको पूरी तरीके से गाइड करने के लिए तैयार है। अगला आ जाएगा ज्योतिबा भाई, एक अगला आ जाएगा ज्योतिबा फूले नगर अगला आ जाएगा, ये कौन सा होगा ज्योतिबा फूले नगर, कोई बताएगा कमेंट करिए, ज्योतिबा फूले नगर ये क्या कौन सा होगा, ज्योतिबा फूले नगर कौन सा होगा, अमरोहा, बिल्कुल रुचि जी का वेलकम है, स्वागत है रुचि जी, ज्योतिबा फूले नगर क्या हो जाएगा अमरोहा, और एक और नगर आ जाएगा संत रविदास नगर ये कौन सा होगा, ये कौन सा होगा भदोही होगा संत रविदास नगर, और उसके साथ साथ एक और नाम आएगा इलाहाबाद का नया नाम क्या होगा प्रयागराज होगा, इलाहाबाद का नया नाम क्या होगा प्रयागराज होगा, और उसके साथ साथ एक और नाम आएगा फैजाबाद का नया नाम क्या होगा अयोध्या इनका नया नाम होगा। अवनीश चंद्र जी का वेलकम है, अवनीश चंद्र जी, जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है यूज कोड विपिन जायसवाल फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए क्या है विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए विपिन। तो ये 11 जिले हैं, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ जिनके नए नाम मिले, रश्मि सिंह जी का वेलकम है, बिल्कुल हाँ, पंचशील नगर हापुड़ प्रबुद्ध नगर शामली भीमनगर संभल रामाबाई नगर कानपुर देहात छत्रपति साहू जी महाराज अमेठी कानपुर नगर कासगंज महामाया नगर हाथरस, और इसके साथ साथ क्या है ठीक है इसके साथ साथ क्या ज्योतिबा भाई फूले अमरोहा संत रविदास नगर भदोही इलाहाबाद नगर क्या है इलाहाबाद प्रयागराज और फैजाबाद क्या है फैजाबाद अयोध्या। ठीक है, तो ये आपके जिलों के नए नाम मिले हैं। करंट के कुछ क्वेश्चन है, स्टेशन के नाम जो बदले गए हैं ठीक है हाँ बिल्कुल, प्रियंका सिंह जी जय किशन सिंह जी का वेलकम है, पुराने नाम कुछ बदले गए हैं, वो नए नाम स्टेशन के कुछ हुए हैं, उनको मैं करंट में भी करा दूंगा, उनका भी करंट में मैं करा दूंगा। एक क्वेश्चन जो हमने कल बता दिया था कि टोटल आर्थिक संभाग कितने हैं बता देंगे उसका भी उसको ठीक है, आर्थिक संभाग कितने हैं टोटल, कल हमने बताया था 4, ये हम कल हमने नोट नहीं करवाया था आर्थिक संभाग में कि कौन कौन से जोन में बटे हैं। तो एक पश्चिमी जोन बटा हुआ है, पश्चिमी आर्थिक भाग बचा हुआ है, एक दूसरा क्या केंद्रीय है, संदीप कुमार जी का वेलकम है, केंद्रीय के साथ साथ क्या है एक आपका बुंदेलखंड है और चौथा क्या है, चौथा आपका है पूर्वी है। ये चार आर्थिक संभाग है। कल हमने बाकी बता ही दिया था, बाकी कल हम बता चुके हैं आपको, 4 आर्थिक संभाग है ठीक है। पीयूष पांडे जी का वेलकम है। आगे एक और पॉइंट क्वेश्चन आता है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, कुछ जिले हैं जिनका मुख्यालय उनसे डिफरेंट है, कुछ जिले हैं जैसे हमारे बहराइच का मुख्यालय बहराइच है, लखनऊ का मुख्यालय लखनऊ है, पर कुछ जिले ऐसे हैं जिनका मुख्यालय अलग अलग है, पूर्वी आर्थिक भाग ठीक है, पूर्वी है, पश्चिमी, केंद्रीय ठीक है, बुंदेलखंड और पूर्वी ठीक है। 10 बजे से आज पीसीएस का टेस्ट है, 10 बजे से आज पीसीएस का टेस्ट है, तो आप सभी लोग पार्टिसिपेट करिएगा ठीक है। तो कुछ हम करते हैं, अगला पॉइंट डालते हैं, मुख्यालय से भिन्न वाले जिले ठीक है। टेस्ट का कोड कुछ नहीं है, डायरेक्ट आप फ्री वाले में एंटर कर सकते हैं, लिंक दे देंगे ग्रुप में। गिंजल श्रीवास्तव जी वेलकम, हाँ धीरेन्द्र सिंह जी का वेलकम है। मुख्यालय से भिन्न वाले जिले हैं कौन कौन सा है, एक आपका अमेठी का मुख्यालय कोई बताएगा, हाँ बायलिंगुअल होगा सोनिया जी ठीक है। एक बार पिछली स्लाइड देख लीजिए, अमेठी का मुख्यालय नहीं रायबरेली नहीं, अयोध्या नहीं है, एक जवाब आया रणवीर सिंह जी का, जवाब आया नीरज जी का, हाँ बिल्कुल बढ़िया जवाब आता हुआ क्या है, गौरीगंज है। अरविंद कुशवाहा जी का वेलकम है, गौरीगंज है अमेठी का मुख्यालय, क्या है अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज है। अगला है संत कबीर नगर ठीक है, हाँ दोनों टेस्ट दे दीजिएगा, संत कबीर नगर ठीक है। आपसे गुप्ता जी कहाँ है, अरे बता रहे खलीलाबाद पे भी आ रहे हैं, वेट करो, संत कबीर नगर क्या है खलीलाबाद है। अच्छा आपका भी जवाब था, बिल्कुल हाँ, देखिए अभिषेक जी का आपका भी जवाब था,
खलीलाबाद, संत कबीर नगर का क्या है? खलीलाबाद। गौतम बुद्ध नगर का कोई बताएगा? गौतम बुद्ध नगर, यहां से क्वेश्चन एक पता है, एक मिलाने वाला क्वेश्चन आता है। गौतम बुद्ध नगर का क्या आएगा? हेडक्वार्टर नोएडा आएगा, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल नोएडा आएगा। गौतम बुद्ध नगर का क्या आएगा? नोएडा, नोएडा आएगा। कौशाम्बी क्या क्या आएगा? कौशाम्बी का क्या आएगा? कौशाम्बी का मंझनपुर आएगा। कौशाम्बी का क्या आएगा? मंझनपुर आएगा ना, क्लियर। कौशाम्बी का क्या आएगा? मंझनपुर आएगा। अंबेडकर नगर का क्या आएगा? अंबेडकर नगर का मुख्यालय क्या? भूपेंद्र पांडे जी वेलकम। अंबेडकर नगर का, अंबेडकर नगर का मुख्यालय क्या आएगा? बिल्कुल बिल्कुल अकबरपुर, बिल्कुल बहुत बढ़िया, अकबरपुर। अकबरपुर क्या आएगा? अंबेडकर नगर का आएगा, ठीक है। अंबेडकर नगर का क्या आएगा? अकबरपुर। अच्छा, आपका आपका कुशीनगर का कौन आएगा? माँ का राडला वेलकम। कुशीनगर का क्या आएगा? कुशीनगर का, कुशीनगर का पडरौना, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुशीनगर का क्या आएगा मुख्यालय? पडरौना कुशीनगर का मुख्यालय आएगा, ठीक है। और कानपुर देहात का मुख्यालय क्या होगा? कोई कमेंट करेगा? कानपुर देहात का मुख्यालय, बिल्कुल बिल्कुल सोनिया जी, अकबरपुर। अकबरपुर रोशन मिश्रा जी का वेलकम है। अकबरपुर, अकबरपुर माती, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जवाब आता हुआ अभिषेक जी, बहुत बढ़िया। अकबरपुर माती क्या है? कानपुर देहात का क्या है मुख्यालय? कानपुर देहात का। सिद्धार्थ नगर का कोई बताएगा? सिद्धार्थ नगर का, अच्छा आप वहीं से हैं, सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय कोई बताएगा? सिद्धार्थ नगर का नौगढ़, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया यहाँ से क्वेश्चन मिलाने वाला आ जाता है, एक मिलाने वाला आता है। सोनभद्र का कोई बताएगा? सोनभद्र का कोई बताएगा मिलाने वाला? सोनभद्र का कोई बताएगा? सचिन वर्मा जी का वेलकम है। राबर्टगंज, राबर्टगंज बिल्कुल, सोनभद्र का क्या हो जाएगा? राबर्टगंज इसका मुख्यालय होगा। जालौन का कोई मुख्यालय बताएगा? जालौन का मुख्यालय कौन बताएगा? विदाउट नेम, ठीक है, हाँ वेलकम है। जालौन का क्या है? उरई हो जाएगा। जालौन का क्या हो जाएगा? उरई हो जाएगा। और अगला क्या है? फरुखाबाद, फरुखाबाद, ठीक है। फरुखाबाद का क्या हो जाएगा? फरुखाबाद का क्या हो जाएगा? फरुखाबाद का फतेहगढ़ हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी, बहुत बढ़िया। और एक अगला बस्ता है, लास्ट बस्ता है संभल। संभल का क्या हो जाएगा? संभल का हो जाएगा पवासा। संभल का क्या हो जाएगा? पवासा हो जाएगा। तो इधर थे जिले और इधर क्या था? इधर था मुख्यालय, इधर था मुख्यालय। सारा पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोग, सारा पॉइंट इनको रटना है। जो भी साथी मेरे साथ पहले नए पहली बार जुड़ रहा है, ईसा सिंह जी का वेलकम है। जो भी मेरे साथ पहली बार जुड़ रहा है वो क्या करिए भाई साहब, आप विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हैं। और फॉलो करने के बाद मुझसे जुड़ने के लिए क्या है, आप यहीं से मुझे मैसेज कर सकते हैं। जिन साथियों को प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना है फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, तो एक बार क्या है, ठीक है, एक बार क्या करिए, ठीक है। संभल का, संभल का पवासा, पवासा है, एक बार क्या है, अच्छा रॉबर्ट का जब सोपुर हो गया, ठीक है, दो तीन बार देखेंगे याद हो जाएगा, दो तीन बार देखेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप मैक्सिमम डिस्काउंट, आलोक चौहान जी का वेलकम है, आप अनकेडमी कोड बिपिन जायसवाल का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करिए, आप बिपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए, बिपिन जायसवाल कोड का क्या करते रहिए, इस्तेमाल करते रहिए बिपिन जायसवाल कोड का। निश्चल सिंह जी का वेलकम है, नोट कर लीजिए सारे पॉइंट, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए सारे पॉइंट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे हैं उनके बारे में हमने बात कर ली है। कीर्ति त्रिपाठी जी का वेलकम है, क्या 203 बच्चे। अकबरपुर माती, माती है, माली नहीं है, माती है, अकबरपुर माती है, अकबरपुर माती है इसका सही जवाब, ठीक है, माती है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसी से तो बता रहे हैं माती है। बढ़ा जाए आगे, राहुल मौर्य जी का वेलकम है, नोट करते रहिए सारे पॉइंट, नोट करते रहिए सारे पॉइंट। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अविनाश जी वेलकम, स्वागत है आपका अविनाश जी, ठीक है। सिद्धार्थ नगर, अच्छा 207 लाइव लर्नर जुड़े हैं, जय श्री कृष्ण, हाँ जय श्री कृष्णा ज्वाइन हुए हैं, स्वागत है आपका। अंजलि जी, अंकित सिंह जी का वेलकम है, ठीक है, हो गया आगे। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट मार रहे हो, बहुत सही, लड़के बड़े स्मार्ट हो रहे हैं, सब स्क्रीन शॉट का जमाना आ गया है, सब स्क्रीन शॉट का जमाना, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, कोई नहीं कोई नहीं। आशीष कुमार जी का वेलकम है, आशीष कुमार जी वेलकम है, ये भी नोट कर लीजिए, ये भी नोट कर लीजिए। बच्चे डिजिटल हो रहे हैं, बच्चे डिजिटल हो रहे हैं, ठीक है, बच्चे डिजिटल हो रहे हैं, डिजिटल इंडिया का पूरा फायदा उठाया जा रहा है, बहुत बढ़िया।
ठीक है कानपुर देहात का, कानपुर देहात का बताया था, अकबरपुर माती, कानपुर देहात का अकबरपुर माती, ठीक है। सिद्धार्थ नगर, नौगढ़, नौगढ़, सोनभद्र, राबड़गढ़, जालौन, उराई, फरुखाबाद क्या है, फरुखाबाद पवासा इसका है, ठीक है। अब एक अगले चैप्टर पे आते हैं, अगले पे आते हैं, एक दूसरा पॉइंट हम सोच रहे हैं करवा दिया जाए, लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग से जिले से संबंधित है, जिले से संबंधित है उसको करा दिया। आ गया, आ गया, प्रियंका जी का वेलकम है, स्वागत आपका, ठीक है। चलिए अब एक छोटी सी हेडिंग डाल लीजिए, एक छोटी सी हेडिंग डाल लीजिए, उत्तर प्रदेश के प्रथम औद्योगिक स्थल, उत्तर प्रदेश के, इससे क्वेश्चन आता है, इससे क्वेश्चन आता हुआ, ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक स्थल की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रथम औद्योगिक स्थल, ठीक है। पहला नाम आएगा आपका फरुखाबाद, बताइए फरुखाबाद ने किसके लिए फेमस है, पहला नाम क्या आएगा, फरुखाबाद, फरुखाबाद किसके लिए फेमस है, ठीक है। ठीक है फरुखाबाद, फरुखाबाद क्या है इसमें, ठीक है, ओके ओके ओके, फरुखाबाद किन में लिख लीजिए, पॉइंट लिख लीजिए। मुन्ना भैया वेलकम जी, स्वागत है आपका, ठीक है। प्रमुख है, प्रमुख 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 स्थल, प्रमुख स्थल उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल, इसमें पीतल के बर्तन, पीतल के बर्तन, कपड़ों की छपाई, इसमें पॉइंट लिख लीजिएगा, पीतल के बर्तन, कपड़ों की छपाई, तंबाकू, विमल कुमार जी का वेलकम है, देखिए तंबाकू का नाम लेते हुए विमल हाजिर हो गए, ठीक है, विमल तथा, ठीक है, हाँ वेट करो, मुरादाबाद पे भी आ रहे हैं, पर अब औद्योगिक स्थल यहां भी हो गया, तथा खाद्य तेलों के, तथा खाद्य तेलों के मुख्य उत्पाद केंद्र के रूप में जाना जाता है, मुख्य उत्पाद केंद्र के रूप में जाना जाता है। हाँ हाँ मीत सिंह जी हम समझ रहे हैं, पीतल के लिए, पीतल के लिए, पर यहाँ पे पीतल के बर्तन बनने प्रारंभ हो गए हैं, औद्योगिक स्थल, औद्योगिक स्थल में यहाँ पे डेवलपमेंट किया गया है। सूरज कुमार जी का वेलकम है, ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे स्थल, औद्योगिक स्थल की अब बात कर रहा हूं जो अभी करंट है, ठीक है। क्या जय सिंह, जय किशन, क्या हुआ, कनेक्ट नहीं हो पा रहा क्या? दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं, आगरा किसके लिए जाना जाता है, आगरा किसके लिए जाना जाता है, अब ये मत बदलना कि आगरा ताजमहल के लिए और पागल खाने के लिए जाना जाता है, आगरा ताजमहल और पीने पागल खाने के लिए नहीं है, औद्योगिक स्थल की मैं बात कर रहा हूं, औद्योगिक स्थल की बात कर रहा हूं, ठीक है, लेदर के लिए, ठीक है। चलिए इससे पॉइंट डाल लीजिएगा, इसमें आगरा में पॉइंट डाल लीजिए, यह नगर भारी इंजीनियरिंग, सुमन कुमारी जी का वेलकम है, हमें पता है, जो आपको पता है हम वो नहीं बताने वाले यहाँ पे, भारी इंजीनियरिंग सामान, जूते तथा अन्य वस्तुओं के उत्पादन में, अन्य मतलब पेठा वगैरह इन सब में आ जाएगा, अन्य वस्तुओं के उत्पादन में जाना जाता है, अन्य वस्तुओं के उत्पादन में जाता है, सुमन कुमार जी, राकेश मौर्य जी, यशपाल सिंह जी के वेलकम है, अन्य वस्तुओं के उत्पादन में जाना जाता है। सुरभि वर्मा जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका, सभी साथियों का स्वागत है। जो भी साथी मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो जरा एक बार कमेंट कर दें, जो भी मेरे साथी साथ पहली बार जुड़ रहे हैं एक बार वो कमेंट कर दें, ठीक है। तो आगरा किसके किसके लिए जाना जाएगा, अच्छा बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो जो भी साथी मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया है, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के क्या कर सकते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के क्या है मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप यहीं से मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे साथ जुड़ने के लिए यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो यूज विपिन जायसवाल कोड, विपिन जायसवाल कोड का क्या कर सकते हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी आप खुशबू चतुर्वेदी जी का स्क्रीनशॉट मान लीजिए, खुशबू चतुर्वेदी जी कमेंट का स्क्रीनशॉट मान लीजिए, ठीक है। बढ़ा जाए आगे, बढ़ा जाए आगे, अब हम आपका जो बहुत ज्यादा, हेलो हेलो सुमन जी हेलो, अब आगे जो आपका बड़ा इंतजार है आपका मुरादाबाद, हमें पता था मुरादाबाद की बात नहीं करेंगे तो लड़का हमें माफ नहीं करेगा, ठीक है, मुरादाबाद, ठीक है, यह
कलाईवा आरएस जी, वेलकम डियर, स्वागत है आपका। कलाईवा नक्काशीदार, नक्काशीदार पीतल, नक्काशीदार पीतल के सामान का अंतरराष्ट्रीय केंद्र। ठीक है, अब संतुष्ट हो, अब संतुष्ट हो सभी लोग। यह कलाईवा नक्काशीदार पीतल के सामान का क्या है? अंतरराष्ट्रीय केंद्र है, अंतरराष्ट्रीय केंद्र है। अब संतुष्ट हो गए सभी लोग, भैया मुरादाबाद का नाम आ गया, जान में जान सबकी आ गई वापस। ठीक है, हाँ बात करेंगे, बरेली में भी बात करेंगे। फर्नीचर के बर्तन है, फर्नीचर है वहां पे है, बैट वेट का सामान बढ़िया बनता है, दिया सलाई बढ़िया अच्छी बनती है रायबरेली में, बरेली में सॉरी बरेली में, उसकी भी बात करेंगे हम। ठीक है, चले आगे बढ़ा जाए, नोटेड। ठीक है, ओके। जो भी साथी मेरे साथ पहली बार जुड़ रहा है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाकर के क्या है, मुझे विपिन कुमार गुप्ता नाम के प्रोफाइल पे फॉलो कर सकता है। और मेरे साथ जुड़ने के लिए क्या कर सकते हैं आप, यहीं से आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा, जिससे क्लास का लिंक, क्लास का पीडीएफ एंड एवरीथिंग, आपको किसी भी प्रकार की हेल्प है, आपको चाहे किसी भी प्रकार की हेल्प है, आप क्या कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या है, इसके साथ साथ क्या है, आप विपिन जायसवाल कोड का क्या करिए, इस्तेमाल करिए प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए, क्या है, सचिन जी का वेलकम। अब हम बात करते हैं नोएडा, नोएडा, नोएडा की लोकेशन कहाँ पे है, नोएडा की लोकेशन कहाँ पे है, किस जिले में पड़ता है नोएडा, नोएडा एक जिला ही है। ठीक है, ज्ञानेंद्र कुमार मिश्रा जी का वेलकम है। नक्काशीदार जब बर्तन आएगा तो मेल में क्या कर लीजिएगा और लिख लीजिए। और इसके साथ साथ क्या है, इसके अगर फरुखाबाद के साथ तंबाकू वगैरह सब कुछ आ जाए तो फरुखाबाद से मिला लीजिएगा। प्रगति प्रकाश जी, ज्ञानेंद्र मिश्रा जी का वेलकम है। नोएडा में, नोएडा में क्या है, नोएडा में अभी हमने बताया था क्या हो रहा है, नोएडा का फुल फॉर्म कोई बताएगा, नोएडा का फुल फॉर्म कोई बताएगा, नोएडा के लिए क्या होगा, नोएडा के लिए क्या होगा, नोएडा के लिए क्या है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का क्या क्या आता है, एक में नोएडा में एक विख्यात, ठीक है अभी बता रहे हैं प्रिया जी, कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं, नोएडा में विख्यात एक औद्योगिक, ठीक है हाँ दुबई जैसा बिल्डिंग है नोएडा में, विख्यात औद्योगिक नगर के रूप में, औद्योगिक नगर के रूप में शामिल कर लिया। रुपेश जी प्रणाम बेटा, खुश रहिए, शामिल कर लिया गया है, बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इसको क्या है, सॉफ्टवेयर नगरी, साबिया जी का वेलकम है। इसको क्या है, सॉफ्टवेयर नगरी, नगरी सॉफ्टवेयर की नगरी के रूप में क्या किया जाता है, इसको डेवलप किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, बिल्कुल सॉफ्टवेयर नगरी के रूप में डेवलप किया जाता है। ठीक है, मैं बहुत बढ़िया हूँ। और इसके साथ साथ, ठीक है उसके साथ साथ नोएडा में मुंबई की तरह फिल्म नगरी भी विकसित की जाती है, फिल्म सिटी भी क्या है, फिल्म सिटी भी क्या की जा रही है यहाँ पे, डेवलप की जा रही है कहाँ पे, नोएडा में। आशीष गुप्ता जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। ठीक है, जो भी साथी मेरे साथ प्लस पर नहीं जुड़े हैं, जो भी साथी, कौन कौन सा बच्चा प्लस पर है जो मेरे साथ क्लास नहीं, क्लास नहीं कर रहा है, कौन कौन सा बच्चा प्लस पर होने के बाद भी मेरे साथ क्लास नहीं कर रहा है। ठीक है, नोएडा का फुल फॉर्म लिख दिया जाए तो आप क्या लिखेंगे, ठीक है आप क्या लिखेंगे, मालिनी भंडारी जी, खुशबू कुमारी जी का वेलकम है, न्यू ओखला, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल और उसके साथ साथ क्या, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, अब हो जाएगा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, हो जाएगा ना, ओके चलिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं बरेली की तरफ, बरेली बच्चे नाम ले रहे थे, बरेली सर बरेली करवाइए, बरेली पे आते हैं। बरेली की बल्ले बहुत पसंद है ना, सभी को पता है, यहाँ पे जो है, यहाँ फर्नीचर, यहाँ पे क्या है, फर्नीचर सिंथेटिक, सिंथेटिक रसायन, फर्नीचर सिंथेटिक रसायन, दिया सलाई, दिया सलाई, दिया सलाई से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, दिया सलाई, दिया सलाई से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, दिया सलाई आद बनाने के क्या है, दिया सलाई आद बनाने के कारखाने, आद बनाने के कारखाने। रोबिन मलिक जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। कितना बच्चा लाइव शो कर रहा है, कितना बच्चा लाइव शो कर रहा है, दो सौ 231, बहुत बढ़िया। फिरोजाबाद,
अगला क्या है? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में किसके लिए प्रसिद्ध है? बोले चूड़िया, बोले कंगना, ठीक है। वो कंगना रनौत नहीं, कंगना रनौत नहीं, यहाँ पे कंगना की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये दूसरे का कांच की चूड़िया, कांच की चूड़ियों का शहर के नाम से या क्या है? शहर के नाम से प्रसिद्ध है, शहर के नाम के प्रसिद्ध है। एवं प्रसिद्ध है एवं अन्य कांच के भी सामान। अच्छा, आप फिरोजाबादी है, बहुत बढ़िया। अन्य फिर ठीक है, आपसे मंगवाते हैं चूड़िया। अन्य कांच के सामान, अन्य कांच के सामान। निदा जी भैया फिरोजाबादी है, निदा जी, सभी लोग निदा जी से संपर्क कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। भैया मेरे मेरे लाइफ में चूड़ियों का कोई रोल ही नहीं है ना, रणवीर जी, ऐसा तुम्हें लगता है। नरेंद्र कुमार गौतम जी का वेलकम है, मतलब गजब हो यार। हम टीचर के साथ साथ हम भी एक इंसान हैं, हमारी भी कुछ फीलिंग्स हैं, तुम लोग मेरी फीलिंग्स को दबा देते हो, ठीक है। कन्नौज बादशाह जी का वेलकम है, स्वागत है आपका, ठीक है। अरे मेरे लिए नहीं काम है, किसी के लिए तो काम होगा यार। अमित द्विवेदी जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। हाँ, कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे ना पूजा जी, ये सब मैडम मैडम के चक्कर में मत फंसाओ, ठीक है, ये सब। शोभिका जी का वेलकम है, स्वागत है। मिर्जापुर आते हैं, बिल्कुल मिर्जापुर, मिर्जापुर का भी नाम ले लेंगे। अनुपम जी का वेलकम है, ठीक है, स्वागत है आपका, ठीक है। कन्नौज भाभी जी का क्षेत्र है, बिल्कुल भाभी जी का क्षेत्र है। अब ये कोई नहीं पूछेगा कि भाभी जी कौन, ऐतिहासिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से क्या होगा प्रसिद्ध या शहर, ऐतिहासिक दृष्टि से, ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टि से प्रसिद्ध या शहर। राजेंद्र सिंह जी का वेलकम है। ऐतिहासिक या शहर नक्काशी के कार्य के रूप में जाना जाता है, नक्काशी के कार्य के रूप में जाना जाता है, कार्य के रूप में जाना जाता है, ठीक है, नक्काशी के कार्य के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ठाकुर सुरेंद्र जी का वेलकम है, स्वागत है, जाना जाता है, ठीक है। दूसरा चीज आप जानते हैं, इत्र का अंतरराष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ है? शोध केंद्र कहाँ है? कन्नौज पे। इसी के साथ हम कह सकते हैं इत्र की अंतरराष्ट्रीय राजधानी कहाँ पे है? अंतरराष्ट्रीय राजधानी कहाँ पे है? प्रियंका शर्मा जी वेलकम है, स्वागत है आपका। अंतरराष्ट्रीय राजधानी कहाँ पे है? वो है, ठीक है, सचिन भारद्वाज जी वेलकम, ठीक है। प्रिया मिश्र शर्मा जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। चलिए, एक बच्चे ने कानपुर की बात कर ली है। आदित्य कुमार जी वेलकम दिया, स्वागत है आपका। एक बच्चे ने कानपुर की बात कर ली है, तो जरा कानपुर में, तो जो भी साथी बच्चे नए नए मेरे साथ जुड़ रहे हैं, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के मुझे फॉलो कर लीजिएगा। आपके विपिन कुमार गुप्ता सर टॉप फोर के, टॉप फाइव में टीचर है, टॉप फोर में सर की रैंक है। आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए विपिन जायसवाल कोड का क्या करिए? इस्तेमाल करिए, ये रहा विपिन जायसवाल कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए क्या। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ संवाद करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के आपको प्रॉपर गाइडेंस है, किसी भी प्रकार को आपको विपिन सर की जरूरत है, तो विपिन सर आपके लिए हमेशा, विपिन सर के लिए आप हमेशा, विपिन सर आपके लिए हमेशा खड़े हुए हैं। विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के क्या कर सकते हैं आप, मुझे यहाँ पे फॉलो करने के बाद क्या कर सकते हैं आप, मुझे यहीं से मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप खुशबू चतुर्वेदी जी के क्या कहें कमेंट को स्क्रीनशॉट। कानपुर, कानपुर उत्तर भारत का, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाएगा? कानपुर के कहा जाएगा। और यहाँ पे सूती वस्त्र, इनोसेंट लवर वेलकम डियर, स्वागत है आपका। यहाँ पे सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्रों, हाँ हाँ अरे पूरे करवा देंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं, पूरे जिले कहां से करवा पाएंगे। ऊनी वस्त्रों तथा, तान्या जायसवाल जी का वेलकम है, ठीक है, तथा चमड़े का, तथा क्या है, तथा चमड़े का क्या क्या है काम बड़े पैमाने पर होता है। अलका तिवारी जी का कमेंट आ गया, इनका शहर है, बड़े पैमाने पर होता है, बड़े पैमाने पर होता है, यहाँ भी सांस लेने पर भी दिक्कत होती है, बड़े पैमाने पर होता है जिसके लिए जाना जाता है, ठीक है। भैया काफी बच्चा परेशान है, काफी बच्चा परेशान है, ठीक है। भदोही और मिर्जापुर के लिए, भदोही और मिर्जापुर के लिए बच्चा काफी ज्यादा परेशान है,
ये दोनों एक ही में आएंगे, भदोही और ब्रजाप्रस्थ। ठीक है, चमड़े का काम बड़े पैमाने पे होता है, वहां पे जूते वगैरह बन जाते हैं। कालीन भैया की नगरी, कालीन भैया की नगरी मिर्जापुर की हम बात कर लेते हैं, मिर्जापुर की बात कर, तो यहाँ पे बढ़िया कालीन बनती है। क्या है? कालीन वगैरह बहुत बढ़िया बनती है यहाँ पे, बढ़िया कालीन, कंबल। और कालीन भैया का नाम ही क्यों दिया गया? कमल। अच्छा, आप पता चल गया कालीन भैया का नाम कालीन क्यों दिया गया है? विकास, अरे बहुत पिक्चरें हमको बहुत कुछ सिखाती है, हमें पॉइंट पकड़ना चाहिए, क्योंकि मिर्जापुर कालीन के लिए जाना जाता है, और वहीं से कालीन भैया निकल करके आते हैं, वहीं से कालीन भैया निकल के आते हैं, कंबल व रेशमी। अब जाके अपने दोस्तों से क्वेश्चन करिएगा, बबली सिंह जी का वेलकम है। रेशमी वस्त्रों के लिए विख्यात है, रेशमी वस्त्रों के लिए विख्यात, रेशमी वस्त्रों के लिए क्या है ये? विख्यात है। और उसके साथ साथ क्या है रेशमी? यहाँ पे कपास और कपास एवं लाख, लाख होती है, कपास एवं लाख का भी क्या है? व्यापारिक महत्व है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया कालीन, बढ़िया कालीन, ठीक है। और कंबल, शिवा सिंह जी वेलकम भैया, स्वागत है आपका, शिवा सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, शिवा सिंह का आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही। बढ़िया कालीन कंबल व रेशमी वस्त्रों के लिए क्या है? प्रख्यात है। पीयूष कुमार जी का वेलकम है, पीयूष कुमार जी का वेलकम है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ठीक है, हाँ बिल्कुल, मार्बल के लिए भी फेमस है, विख्यात, कपास का। जैन, पीयूष कुमार जी जैन, तो जो भी साथी, ठीक है, ठीक है। लाख, लाख एक प्रकार की फसल होती है, लाख प्रकार का जूट से बनता है, जूट 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 टाइप की होती है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से क्या है, यहाँ पे आपको, यहाँ पे भदोही और मिर्जापुर से मिल जाएगा। तो जो भी साथी मेरे साथ नए हैं, जिन साथियों ने अभी तक मुझे सब जो जिन साथियों ने अभी मुझे फॉलो नहीं किया है, वो प्लीज विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हैं, विपिन कुमार गुप्ता पे जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी साथी प्लस पर है, जो भी साथी प्लस पर है, जो मेरे साथ जुड़ना चाहता है, वो क्या करिए, आप जाकर के कोर्स पे एनरोल कर लीजिए। एनसेल, अच्छा 255 लाइव चल रहे हैं। सपना शर्मा जी वेलकम डियर, स्वागत। टेस्ट का कोई कोड नहीं होगा, टेस्ट का कोई कोड नहीं होगा, टेस्ट का लिंक सीधे ग्रुप में मैं दे दूंगा, टेस्ट का लिंक सीधे ग्रुप में दे दूंगा। ठीक है, गाजीपुर, अगला क्या आ जाएगा? गाजीपुर। गाजीपुर किसके लिए जाना जाएगा? अब ये मत बता देना मनोज सिन्हा के लिए जाना जाएगा, मनोज सिन्हा के लिए नहीं जाना जाएगा। ठीक है, तो यह गुलाब जल, गुलाब जल तथा बहुत ही बढ़िया पदार्थ अफीम के लिए जाना जाता है, गुलाब जल तथा अफीम के लिए क्या जाता है? जाना जाता है, जाना जाता है, ये गुलाब जल तथा अफीम के लिए क्या जाना जाता है? गाजीपुर गुलाब जल तथा अफीम के लिए क्या जाना जाता है? ठीक है, रेणु गुप्ता जी का वेलकम है। तो जो भी साथी मेरे साथ नया जुड़ा है, जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हैं। अभी एक हफ्ते, आज मैं शाम को क्लास नहीं ले पाऊंगा, ठीक है, आज मैं शाम को क्लास नहीं ले पाऊंगा, अफीम बहुत बढ़िया तत्व है। ठीक है, नहीं इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, बहुत बढ़िया पंकज जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। कार्नवालिस की समाधि कहाँ पर है? कार्नवालिस की समाधि कहाँ पर है? यूपी के गाजीपुर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया पॉइंट आपने याद दिलाया, यूपी के गाजीपुर में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ठीक है, अब नहीं इसको दो कर देंगे, दो स्पेशल कर देंगे, दो स्पेशल कर देंगे, पर अभी आज एक मेरे गांव में एक लोग एक्सपायर हो गए हैं, तो इसलिए थोड़ा शाम की मैं नहीं क्लास ले पाऊंगा। टेस्ट अभी 10 बजे से होगा, टेस्ट अभी 10 बजे। गाजीपुर क्या है? गुलाब जल तथा अफीम के लिए क्या है? जाना जाता है, अफीम के लिए क्या है? जाना जाता है। ठीक है, तो ये मोस्टली इंपॉर्टेंट रहे, मोस्टली इंपॉर्टेंट रहे हैं, इनकी हम बात कर लिए हैं, अब इसको नोट कर लीजिए, जितना बच्चा नोट नहीं किया है सारा बच्चा, किसी का छूटा तो नहीं है, किसी का छूटा तो नहीं है, जल्दी बता दीजिए, किसी का छूटा तो नहीं है। हाँ, सबसे सारे बच्चे स्पेशल प्लस दोनों बच्चे कर सकते हैं, टेस्ट स्पेशल प्लस दोनों बच्चे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, टेस्ट सारे स्पेशल। भूपेन जी थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं देख करके बताता हूँ। दीपिका कुशवाहा जी, पूजा अवस्थी जी वेलकम। सबसे बड़ा गांव, किसी को अगर किसी बच्चों को पता है तो बता दीजिए, सबसे बड़ा गांव यूपी का कौन है? गुहमर, चलिए मैं देख लूंगा, ठीक है, गहमर, ओके ओके, चलिए बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है, गुहमर है, बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक कोई लिया जाए, अगला टॉपिक लिया जाए, वाराणसी के लिए क्या पसंद है? वाराणसी के लिए सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता है, वाराणसी सूती वस्त्र, वाराणसी साड़ियों के लिए जाना जाता है, ये तो सभी को पता है ना, ये साड़ियों के लिए जाना जाता है, बनारसी साड़ियों के लिए जाना जाता है वाराणसी। ठीक है,
अब हम जरा देख लेते हैं कि देश स्तर पर हाँ मंदिरों के लिए भी जाना जाता है और सबसे पुराना शहर होने के नाते वाराणसी को क्या है, सबसे पुराना शहर भी जाना जाता है, पुराना शहर भी जाना जाता है, ठीक है, पुराना शहर भी जाना जाता है। हाँ बनारसी पान, अरे हाँ सब पता है बनारसी पान, ठीक है। घाटों एवं घंटों का शहर, बिल्कुल भारत की सांस्कृतिक राजधानी, बिल्कुल कल्चरल, योगी मोदी जी का क्षेत्र, भारत माता मंदिर, बिल्कुल विश्वनाथ मंदिर, बिल्कुल इन सभी के वाराणसी पर दोनों से जाने जाते हैं, वाराणसी के लिए दोनों दोनों से जाने जाते हैं। अब एक देख लेते हैं, एक टॉपिक छोटा सा और कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन छेद से, ठीक है, बांस बरेली से संबंधित है, बांस बरेली, कृषि भी करवा देते हैं, कृषि भी करवा देंगे, कृषि भी करवा देंगे, ठीक है। अब जरा कर देते हैं वन क्षेत्र से संबंधित, कल हमने कुछ तथ्य करवाए थे, नहीं करवाए थे, वन क्षेत्र से संबंधित कुछ तथ्य करवाए थे, तो वन क्षेत्र से संबंधित कुछ तथ्य हैं, कामनी सिंह जी का वेलकम है, झुमका बरेली वाला, संबंधित कुछ तत्व है, नहीं कल वन वन का करवाया था, वन वगैरह का कुछ करवाया था, कल मूलाधार बताया था, बताइए क्या होगा, ठीक है। वन महोत्सव का आंदोलन का जो मूलाधिकार था वो क्या था, मूलाधार क्या था, वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ क्या है, रोटी है, रोटी का अर्थ क्या है, जीवन है, कल ऐसा कुछ हमने बताया था, ऐसा कुछ हमने कल बताया था ना, हाँ बिल्कुल, रेगुलर क्लास में रहोगे तभी तो पता चलेगा, ठीक है, ठीक है। तो चलिए पहला पॉइंट है आपके साथ, मंजू निषाद जी का वेलकम है, स्वागत है, अधिकतम जिले बताइए, वन क्षेत्र प्रतिशत वाले पांच जिले बताइए, कोई बताएगा, पांच जिले कहां पे सबसे ज्यादा वन क्षेत्र का प्रतिशत है, कोई बताएगा पांच जिले कौन कौन से हैं, घटते क्रम में बताइएगा, घटते क्रम में बताइएगा, घटते क्रम में, चलिए हम भी नहीं थे, अच्छा रिकॉर्डर देखा, ओके ओके, हाँ ठीक है, चलिए बहुत बड़ा, पहला नंबर के एक बच्चे ने नाम दिया सोनभद्र, बिल्कुल हाँ सोनभद्र है, फिर इसके बाद क्या है चंदौली है, सोनभद्र है, फिर चंदौली है, फिर क्या है पीलीभीत है, फिर क्या है मिर्जापुर है, मिर्जापुर है, और फिर क्या है मिर्जापुर के साथ साथ क्या है चित्रकूट है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये पांच जिले, वन क्षेत्र प्रतिशत की बात हो रही है, वन क्षेत्र प्रतिशत की बात हो रही है, जब हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, आनंद सिंह जी का वेलकम है, ठीक है। तो सोनभद्र में वन क्षेत्र प्रतिशत कितना है 36.77% है, 36. चंदौली में कितना है 26. समथिंग है, पीलीभीत में है 18.67% है, ये है मिर्जापुर में है 18.27 और चित्रकूट में 18.22, ये है इनका, ये है, ठीक है, हाँ ठीक है, सोना चांदी पीतल में चित्रकार है बहुत बढ़िया, तुरंत ट्रिक बना दी ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने, ट्रिक बनाई है कि याद करने के लिए, सोना और चांदौली फॉर चांदी, चंदौली फॉर चांदी, 1% का चंदौली, और उसके साथ साथ क्या है पीला पीतल, मिर्जापुर में चित्रकारी, चित्रकूट। अब अगला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, अगला पॉइंट आ जाएगा, अधिकतम बता रहे हैं गुरुदेव, बता रहे हैं माकल अडला, उस पर भी आ रहे हैं, ठीक है, अरे 27 है ये, सॉरी 21 लिख गया ना, ये 27 है, 27 है 18.22, ठीक है। अधिकतम वन क्षेत्रफल वाले, प्रभास शुक्ला जी का वेलकम है, ठीक है, प्रतिशत बोलते हैं 36.77, ठीक है, 20, और उसके बाद सोनभद्र का है, और उसके बाद क्या है चंदौली का लिख लीजिए 22.24, 18.76, मिर्जापुर का 18.27, चित्रकूट 18.22, ठीक है। अधिकतम वन क्षेत्रफल वाले पांच जिले, अब इनमें से कोई बताएगा, बिल्कुल ठीक है, सोना चांदी पीतल में चित्रकारी, ठीक, अपने मन से बताइए, सोनभद्र होगा, फिर कौन आएगा, फिर होगा खीरी, लखीमपुर खीरी, और उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कालीन भैया आएंगे, मिर्जापुर आएगा, उसके बाद आएगा पीलीभीत, और उसके बाद क्या आएगा ललितपुर, ठीक है। अधिकतम वन क्षेत्र वाले, न्यूनतम पे भी आ रहे हैं, वेट करो, न्यूनतम पे भी आ रहे हैं, ठीक है।
और जो भी साथी मेरे साथ अभी तक फॉलो नहीं किया है विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के क्या कर सकता है, मुझे फॉलो कर सकता है, मुझे यहाँ पे क्या कर सकता है, मुझे यहाँ पे क्या कर सकता है, जाकर के फॉलो कर सकता है। उसके साथ साथ कर जो भी साथी जिन साथियों को प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना है वो एक बार मुझसे संपर्क करेंगे फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। नोट हो गया पॉइंट। ललितपुर सुरभि जी, यहाँ पे ललितपुर क्षेत्रफल की बात होगी, क्षेत्रफल की बात होगी। सुनील बंसल जी का वेलकम है, क्षेत्रफल की जब बात होगी। हाँ टेस्ट अकेडमी पर, हाँ नीचे वाले एरिया क्षेत्रफल ये लिखा तो है, क्षेत्रफल ये लिखा तो है भाई साहब। देखिए क्षेत्रफल इनको याद करने का कोई वो औचित्य नहीं बनता है कि कितना कितना क्षेत्रफल है, ये मत याद करो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, न्यूनतम वन क्षेत्र। नमस्कार सुनील बंसल जी, नमस्कार। न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले, वन क्षेत्र प्रतिशत वाले पांच जिले कोई बताएगा कौन कौन होगा, स्पेशल टॉप में कौन चलेगा? टॉप पे चलेंगे भदोही शायद, भदोही, मैनपुरी। ठीक है, अच्छा सुनील बंसल जी वेलकम है, सुनील बंसल जी ठीक है, डेली क्लास होती है, भदोही मैनपुरी आप मुझसे जुड़ जाइएगा। सुनील बंसल जी हाफ इंजीनियर वेलकम है, आप मुझसे ग्रुप में जुड़ जाइएगा जिससे आपको क्लास का लिंक पीडीएफ वगैरह सब मिलता रहेगा और किसी भी प्रकार की जरूरत होगी तो विपिन सर आपके लिए हमेशा होंगे। अच्छा सुनील बंसल जी, अच्छा बताया है कल, ओके माऊ और उसके साथ साथ क्या है बलिया, माऊ और उसके साथ साथ क्या है बलिया, भदोही मैनपुरी देवरिया माऊ और बलिया। भदोही का परसेंटेज लिख लीजिए 0.30%, मैनपुरी का परसेंटेज लिख लीजिए 0.51%। आप मुझे यहाँ पे विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के आप मुझे क्या कर लीजिए, यहाँ पे फॉलो कर लीजिए और यहीं से आप क्या कर दीजिएगा, मुझे मैसेज कीजिएगा, बाकी मैं आपको उठा लूंगा वहां से सुनील बंसल जी। ठीक है, और देवरिया का कितना है 0.59%, ठीक है 0.64%, और बलिया का क्या है 0.74%। ये न्यूनतम वन क्षेत्र वाले पांच जिले हैं, प्रतिशत में है भाई साहब, ये ध्यान दीजिएगा, ये किसमें है, ये प्रतिशत में है। और न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले पांच जिले। ठीक है, क्या हुआ, रुक गया क्या, नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? भदोही माऊ, आरती तिवारी जी का वेलकम है, भदोही माऊ संत कबीर नगर, भदोही माऊ संत कबीर नगर और उसके साथ साथ क्या है मैनपुरी, और उसके साथ साथ क्या है वाराणसी का भी नाम है, वाराणसी से मात्र 17 वर्ग किलोमीटर के आसपास में क्या है मात्र यहाँ पे वन है। फॉलो कर लो बस, गुरु जी उठा लेंगे तुम जहां भी हो, क्योंकि अपने गुरु वैरा ही चले हैं। हाँ माँ का लाडला, हम तो उठा ही लेंगे। ठीक है, और मैनपुरी में कितना है 14 वर्ग किलोमीटर है, 14 वर्ग लिखिए स्क्वायर में, वो हो जाएगा 14 का स्क्वायर हो जाएगा, 14 वर्ग किलोमीटर है। संत कबीर नगर में भी क्या है 14 वर्ग किलोमीटर के आसपास में जंगल है, और माऊ में बहुत बढ़िया है, माऊ में 11 वर्ग किलोमीटर के आसपास में जंगल है, यहाँ पे वन है, और भदोही में तो क्या है 3 वर्ग किलोमीटर के आसपास में है, 3 वर्ग किलोमीटर के आसपास में। ठीक है, सोभित चौधरी जी का वेलकम है, सोभित चौधरी जी का स्वागत है। तो न्यूनतम वन क्षेत्र वाले 3 जिले क्या है? ठीक है, ये आपके 3 जिले, ये 5 जिले हो गए हैं, ये 5 जिले हो गए हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए फिर आगे बताते हैं। जो भी साथी नए हैं मेरे साथ, जो भी साथी पहली बार जुड़ रहे हैं मुझसे जुड़ने के लिए, हाँ बिल्कुल कविता जी, बिल्कुल लेफ्ट, बिल्कुल मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, हाँ आप कमाओ ग्रीन माओ, मुझसे जुड़ने के लिए क्या कर सकते हैं आप, विपिन कुमार, ठीक है, भदोही में 3 वर्ग किलोमीटर, 3 वर्ग किलोमीटर थ्री है, मुझसे जुड़ने के लिए आप विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हैं, और उसके साथ साथ क्या है, ठीक है, एक बार बैक कर दिया जाए, ठीक है बैक कर देता हूँ, ठीक है,
और जिन साथियों को प्लस कोर्स लेना है, प्लस कोर्स पे मैक्सिमम डिस्काउंट लेना है, तो आप क्या करिए, आप मुझे संपर्क करिए विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के, आप मुझे फॉलो कर लीजिए, वहीं से मैसेज कर लीजिए, आपकी सारी बातें हम वहां पे, आपको सारा डाउट किसी भी प्रकार का है, पंकज जी नॉट अवेलेबल वेलकम डियर, आप मुझे विपिन कुमार गुप्ता ये नाम दिख रहा है आपको, आप अपने पे ठीक है, आप मुझ पे उस पे सर्च करिए, याद हो जाएगा, आप अनअकैडमी पे जाकर के मुझे सर्च कर लीजिए, अनअकैडमी पे जाकर के आप मुझे सर्च कीजिए और वहां पे क्या है आपको मिलेंगे, आप मुझे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। संत कबीर नगर का है 14 किलोमीटर, उसका भी 14 है, मैनपुरी का भी 14 है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तेल जो चीड़ का वृक्ष से तारपीन का जो तेल होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है, हाँ अभी दे देते हैं परेशान मुझे, जो तारपीन का जो तेल होता है या इसी को बिरोजा का तेल, जेट्रोफा नहीं होता, या इसी को साथ साथ क्या इसको बिरोजा के भी नाम से जानते हैं, बिरोजा एवं तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल हाँ, चीड़ के वृक्ष के राल से प्राप्त किया जाता है, ओके बहुत बड़ा। कत्था किससे प्राप्त किया जाता है, जल्दी से बताइए, कत्था किससे प्राप्त होता है, खैर से प्राप्त किया जाता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, अब काम की बात करते हैं, बीड़ी बनाने के लिए किसके पत्तों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तेंदू के पत्ते, देखिए सारे बच्चों को पता है तेंदू के पत्तों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दिया सलाई बनाने के लिए, अच्छा काम की बात है, दिया सलाई बनाने के लिए किसके प्रयोग किया जाता है, ठीक है, पॉपुलर के प्रयोग किया जाता है, लाल फरसों, ठीक है। बीड़ी का तो पता होना जरूरी है, हमें पता था, ठीक है। अब प्लाईवुड का निर्माण किससे किया जाता है, तो बताएगा, प्लाईवुड काजू की लकड़ी का निर्माण किया जाता है, ठीक है। गन्ने से खाद वगैरह बनता है, ठीक है, ओके। अब ध्यान दीजिए, जो भी बच्चे मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं विपिन कुमार गुप्ता पे जाकर के आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझसे जुड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहीं पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए डिस्काउंट के साथ, तो आप विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए, इसके साथ साथ क्या है, आप सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आप मुझे मैसेज भी कर दीजिए ताकि जो मैक्सिमम डिस्काउंट हो आपको दिलाया जा सके। अंकुश श्रीवास्तव जी, कीर्तिवर्धन शुक्ला जी वेलकम, ठीक है। तो अभी आज क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, अभी 10 बजे आप ग्रुप में मुझे जुड़ जाइए, और 10 बजे क्या है, 10 बजे आपका पीसीएस का टेस्ट होने वाला है। अंजलि जैन जी वेलकम है, कितना बच्चा लाइव शो कर रहा है, ठीक है, हाँ मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, हाँ आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है, 271, ठीक है। तो 10 बजे टेस्ट में आप ग्रुप में जुड़ जाइए, ग्रुप में सभी को मैं लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। चीड़ के वृक्ष से तारपीन एवं बिरोजा का तेल है, ठीक है। तो तब तक आपको क्लास छोड़ रहा हूँ, आप टेस्ट का मैं लिंक दे रहा हूँ ग्रुप में, तब तक के लिए आपको बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। राल का मतलब छाल, वृक्षों की छाल जो होती है, ठीक है, ओके बाय बाय, थैंक यू, जय, हाँ देख सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं अनुराग श्रीवास्तव जी, ठीक है। और जो बच्चे नहीं ग्रुप में जुड़े हैं, आप मुझे मैसेज कर दीजिए विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के, आप मुझे फॉलो करने के बाद मैसेज कर दीजिए, हम आपको वहीं से उठा लेंगे, ठीक है। शिव सिंह जी का वेलकम है, क्लास खत्म हो रही है, सभी साथियों का बाय बाय, थैंक यू, जय, बाय बाय।